केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, लोकप्रिय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नागेंद्रनाथ सिन्हा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण और प्रदेश और देश भर में इस कार्यक्रम को सुन रहे करोड़ों करोड़ बहनों और भाइयों, आज पूरे प्रदेश में आनंद का माहौल है, उत्सव का माहौल है। मध्य प्रदेश की जनता आज आनंद और प्रसन्नता के साथ प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। आज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए 16,440 ग्राम पंचायतों में और 26,548 ग्रामों में यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अभी तक 1,24,92,394 प्री रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। हम समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश आज कितना प्रफुल्लित है और कितना प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के सपने को साकार किया है। किसी ने कहा है, फूल मेरा साख मेरी और सजर मेरा भी हो, मेरा हक है इस जमीन पर एक घर मेरा भी हो। और ये एक घर का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब के लिए साकार किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किस्त के रूप में 1,80,000 हितग्राहियों को 654 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आपके आशीर्वाद स्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 20,30,000 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 17,00,000 आवास बनाए जा चुके हैं। इस साल भी हम आधे लक्ष्य को, जो इस साल का था हमारा 6,00,000 का, उसको हम पूरा कर चुके हैं और आपके आशीर्वाद से युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं, ये पूरा लक्ष्य पूर्ण किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश की 75वीं आजादी जब मनाई जाए तो हर गरीब को अपना पक्का मकान मिल जाए। आखिर गरीब की जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सस्ता अनाज देके, हम सब जानते हैं आज पूरे देश के गरीबों को नाम मात्र के मूल्य पर मध्य प्रदेश में 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से गरीब को दिया जाता है। और जो नाम छूट गए थे उन 37,00,000 गरीबों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर पात्रता पर्चियां वितरित करके हम राशन देना प्रारंभ कर रहे हैं। राशन के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है गरीब को, जो पैसे बचे उससे वो कपड़ा खरीद लेता है। मकान का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी साकार कर ही रहे हैं, लेकिन मकान भी कोई साधारण मकान नहीं। पहले इक्का दुक्का मकान किसी पंचायत में आते थे, साइज भी छोटा होता था, पैसा भी कम होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए, अब मकान के लिए 1,25,000, शौचालय के लिए 12,000, मनरेगा की मजदूरी अलग से, और इससे इतने सुंदर मकान बनाए। और केवल मकान नहीं, गरीब की जिंदगी के हर सपने को साकार किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मकान में बिजली, हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है। शुद्ध पीने का पानी, जल जीवन मिशन उन्होंने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश पे भी उस पर हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, चूल्हे पे नहीं, गैस पे वो रोटी बनाती है। घर में किचन भी है तो शौचालय भी है, एक संपूर्ण इकाई जहां गरीब सुख से अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को अब इलाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति में बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था की है। और जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। हम मध्य प्रदेश में भी आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए
हमने पूरा रोड मैप बनाया है। मैं आज इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो कुछ आज हो रहा है मध्य प्रदेश में वो आपके बिना मुमकिन नहीं था, इसीलिए तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, करोड़ों करोड़ बहनों और भाई, उनसे यहीं से निवेदन करता हूं कि हमारी आशाओं के केंद्र, देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले और गरीब की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता का रंग भरने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो जहां है वहीं से दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत करे, अभिनंदन करे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपको पाकर हम धन्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन पर एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग प्रस्तुत है। हो, गांव हो, शहर हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर। श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुई प्रधानमंत्री आवास योजना सुदूर गांवों में बसे बेघर परिवारों का जीवन अनेक स्तरों पर बेहतर करती है। मध्य प्रदेश के 9 अंचलों में राज्य सरकार द्वारा योजना के दौरान 1,75,000 आवास बने। इसके अलावा केंद्र के नियमानुसार प्रदेश में हितग्राहियों को मनरेगा मजदूरी सहित शिक्षा, बीमा, बिजली, पानी, प्रशिक्षण आदि देने के अलावा अन्य अनेक योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे भी ऐसी जनहितैषी योजनाओं को मध्य प्रदेश हमेशा सफल बनाता रहेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मध्य प्रदेश के 1,75,000 आवासों में गृह प्रवेशम कार्यक्रम की पट्टिका के अनावरण का विनम्र अनुरोध करता हूं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश के 3 जिलों धार, सिंगरौली एवं ग्वालियर के गांवों में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से संवाद के लिए सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम धार जिले के सरदारपुर जनपद के ग्राम पंचायत अमझेरा के आदिवासी हितग्राही श्री गुलाब सिंह को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। राम राम प्रधानमंत्री जी, राम राम। अच्छे हो कि कसो काय मजा में छे? मजा में छे। अपने अच्छे हो कि घर बनावा में कई आफत तो नहीं आई? नहीं आई खरे वारलो। अच्छा बताइए कैसे घर बनाया? मेरी जरा तबीयत जरा खराब है तो मेरा छोरा बताइए। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, क्या शुभ नाम आपका? नेहरो। बताइए। अभी तो हमारे गांव और सरदारपुर तहसील और जिला के सभी गरीब और भाई बहनों के ओर से हम सभी शुभकामना देते हैं। जो हमारे गरीब भाई को मकान मिले हैं उसके सबको तरफ से मैं
शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारा मकान बना है हलमा करके, उसमें हमारे गरीब भाई सभी सहयोग करते हैं, तो उसमें मजदूरी हमारे को नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ सहयोग करते हैं ताकि हमारा गरीब भाई का मकान अच्छा बने, और जो मजदूरी के पैसे बचे उससे कुछ अच्छे और सामान ला सके। और जो उसमें हमारे भाई जो मिस्त्री है उन्होंने भी बहुत हमारा सहयोग करा, ताकि हमारे भाई की जो मजदूरी होती है मिस्त्री की वो ज्यादा देना पड़ती है, तो उससे ताकि और अच्छा सामान लाके और अच्छा मकान बना सकता है आदमी। नहीं, ये हलमा की परंपरा सिर्फ आपके गांव में है कि अगल बगल के गांव में भी है? सभी, जैसे कोई आदिवासी कोई अच्छे से करते हैं, कोई थोड़े कम करते हैं, और हमारे जो हमारा गांव है थोड़ा परिवार जुड़ा हुआ है हमारा, तो अच्छे से करते हैं। तो कितने लोग ये हलमा में आपके गांव के कितने लोग आपके साथ जुड़े थे? 20, कभी रोज 20 आ जाते हैं, कभी रोज 15 भी आते हैं। लेकिन उन सबको काम आता था क्या? काम आप बताते थे या कौन सिखाता था उनको? काम जानते थे काम घर बनाने का? जो मिस्त्री हमारे भाई थे वो तो सीखे हुए थे, तो जो लॉकडाउन में बंद था तो सभी घर पे ही थे, और जो मजदूर आदमी थे हमारे भाई और बहनों वो भी घर पर ही थे। और उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है? कोई पैसे नहीं, वो सिर्फ शाम को हम उनको खाना खिलाते हैं। तो खाना में क्या मुर्गा खिलाते हैं क्या? नहीं, हम वो क्या है कि खिचड़ी बनाते हैं या फिर मक्का की रोटी और अच्छी सी दाल बनाते हैं बढ़िया, और प्याज व्याज काट के ने बढ़िया से खिलाते हैं शाम को। अच्छा, आप वही खिलाते हैं जो दाहुड़ वाले खिलाते हैं? जी। चलिए, देखिए बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कैसा बढ़िया रीति रिवाज है कि गांव के सब लोग मिलकर के जब भी किसी का घर बनता है तो उस काम में सब जुड़ जाते हैं, और बहुत ही कम खर्च में सबकी टैलेंट का उपयोग करते हुए अच्छे से अच्छा घर बन जाता है। मुझे लगता है कि जीवन को आसान बनाने की भावना कितनी बढ़िया है गांव में। मैं सचमुच में आपके गांव के सभी लोगों को बधाई देता हूं। अच्छा, ये बताइए कि घर बनाने में खर्च कितना आया और घर कितने समय में पूरा हो पाया? क्योंकि मैं देख रहा हूं आपका घर दिखता तो बड़ा शानदार है जो बनाया है आपने, और बढ़िया सा पेंटिंग वेंटिंग भी किया है। पेंटिंग भी सब आप ही लोगों ने किया है? हमारी बच्चियों ने किया, जो ये चित्र वित्र जो हमारे मांडना बोलते हैं ब्याह में मांडते हैं, ये हमारी बच्चियों ने बनाया है। और जो हमारे मकान की जो लागत है वो 1,20,000 तो जो पीएम आवास योजना के मिले थे, और जो 16,000 रुपए हमारी मजदूरी मिली थी, और कुछ हमने हमारे भाइयों ने भी हमारे को सहयोग करा, और जो थोड़े बहुत हमने मजदूरी करके बचत करी थी वो भी हमने लगाए। तो आपके पिताजी को तो और आनंद होता होगा कि उनको रहते रहते एक पक्का घर मिल गया। बहुत आनंद हो गया। अभी 2 दिन से मिलने के खुशी में 2 दिन से थोड़ी तबीयत डाउन हो गई, वो इतने सह नहीं पा रहे कि जब हमारे देश के इतने जोरदार प्रधानमंत्री जब हमारे को संबोधित करेंगे तो मैं खुशी वो रोक नहीं पाए, इसलिए थोड़ी तबीयत उनकी डाउन हो गई है। कई बार आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, आपके शब्द नहीं होंगे लेकिन आपके आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। गुलाब सिंह जी, आपको नए घर की बहुत बहुत मेरी बधाई है, और आपके आंखों के सामने आपके दूसरी तीसरी पीढ़ी आप देखते होंगे घर में, सबके लिए पक्का घर होना ये आपके लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। आपने सरकारी योजना और सामाजिक तालमेल की बेहतरीन मिसाल हमारे सामने रखी है। आपके समाज, आपके गांव वालों को भी इस समृद्ध परंपरा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, और यही कारण है कि आपका घर बहुत कम खर्च में और बहुत कम समय में बनकर तैयार भी हो गया। सरकार ने भी गरीबों के आवास की इस योजना में
एक प्रकार से इसी रीति का ही समावेश किया है। सरकार की अनेक योजनाओं को जैसे मनरेगा, सौभाग्य, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, ऐसी अनेक योजनाओं को गरीब के घर के साथ जोड़ दिया है ताकि सबकी ताकत से गरीब का सपना पूरा हो जाए। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके गांव वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरी तरफ से विशेष बधाई है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से घर बनाया है, बहुत बधाई देता हूं मैं आपको। धन्यवाद। अब मैं सिंगरौली जिले के बैठन जनपद के ग्राम पंचायत गडेरिया के हितग्राही श्री प्यारेलाल यादव को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। प्यारेलाल जी, प्यारेलाल जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आज आपको पक्का अपना घर मिला है, आज आपकी खुशी बहुत स्वाभाविक है और मैं देख भी रहा हूं आप अपने श्रीमती जी के साथ बैठे हैं, बड़ा आनंद होता होगा आपको तो। जी सर, बहुत आनंद है हमको। प्यारेलाल जी, कभी सोचा था कि आपका एक पक्का अपना घर होगा और आपके सपने पूरे भी होंगे? क्योंकि वादे तो आप लोग कई सालों से सुनते आते होंगे। सर हमको विश्वास था कि हमको अवश्य मिलेगा, जैसा सबको मिल रहा है सर वैसा हमको भी मिला। हमको विश्वास है कि आवास हमको भी मिल गया। तो आज घर का आपका प्रवेश हो रहा है, तो खाना क्या पकाया आज? सर बनवाए हैं खाना। क्या बनवाए बताइए रे? चावल, दाल, पूरी, सब्जी। वाह, कुछ मीठा भी बनाया होगा? सर मंगवाए हैं मीठा। मीठा मंगवा लिए है वो? जी। अच्छा, पहले आपका मकान कैसा था और मकान में क्या सर? हमारा मकान कच्चा का था, खपड़ेल था। आंधी तूफान में खपड़े उड़ जाते थे, पानी गिरने पर बहुत चूता था, इसलिए बहुत समस्या था। सर हमको आवास मिल गया तो बहुत आनंद आ गया। अच्छा, आपको ये घर कब स्वीकृत हुआ था? सर हमारा मकान सन 2019 में हमको मिला। यानी लगभग दिसंबर, मकान तो अभी मिला कि उस समय तय हुआ कि अब मिलेगा मकान, क्या हुआ? सर हमको मकान मिला और लगभग 15 दिन की पहले पूर्ण हो चुका। अच्छा अच्छा, यानी एक साल पहले मकान बनाने का आपको तय हो गया और बाद में एक साल में आपने इसको आज पूरा कर दिया 15 दिन पहले। जी हाँ। तो आपको ये मकान लेने में, मैं जरा ऐसी बात पूछ रहा हूं, बुरा मत मानना और जी सर, बताते समय संकोच भी मत करना, सच बता देना। बताएंगे ना? जी सर बताएंगे। क्या आपको ये सब मकान पाने में किसी से लेन देन की बात हुई हो, किसी ने कुछ मांगा हो, परेशान किया हो, दफ्तरों में, बैंक में चक्कर काटने पड़े हो और आप मन को लगा थोड़ा यार मकान नहीं चाहिए, क्या मोदी जी बातें करते हैं, कुछ बेकार है सब, ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं सर, कभी नहीं हुआ ऐसा। समय समय पर किस्त हमको मिलती गई और हमको दिक्कत नहीं आई, कोई परेशान नहीं किए, कोई पैसा नहीं हमसे मांगे, इसलिए कि आवास हमारा धीरे धीरे बन गया। और अच्छा, मकान बनाते समय आप पति पत्नी में भी झगड़ा होता होगा? वो कहती है नहीं इधर का बनाओ, वो कहती है दरवाजा इधर डालो। नहीं सर, कभी नहीं झगड़ा हुआ। आपकी चलती होगी, आप उनकी सुनते ही होगी। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम मकान बनाए और क्या कहते हैं, राखड़ वाला ईंट लगाए। अच्छा? पूछे दो चार आदमी से कि राखड़ वाला ईंट कैसा होता है, तो लोग बताए कि मजबूती भी है आपके यहाँ तो। अच्छा, आपके यहाँ तो, आप जिस इलाके में है वहां तो शायद काफी बड़ी मात्रा में इस प्रकार की ईंटें मिलती है ना? जी सर मिलती है, यहाँ प्लांट है हमारे गाँव में। और ये ईंटें तो बड़ी मजबूत भी होती है, सस्ती भी होती है।
जी सर, इसलिए हम मंगवाए उसको। अच्छा, पक्का घर तो आपको मिल गया, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब आपको अपने बच्चों को खूब पढ़ाना है। जी सर, पढ़ाओगे ना? जी सर, पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? सर अभी तो स्कूल बंद है लॉकडाउन के चलते। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाते क्या है? पढ़ाते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? इन साल में एक बड़े वाले बच्चे ग्यारहवीं पढ़ेगा, एक छठवीं में, एक पंचमी में। अच्छा, देखिए ये जो योजना है वो सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना है, ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, ईंधन, ये रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है ना, उससे वो बाहर निकलकर अपने काम में, अपने भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सके। कड़ी परिश्रम के बाद जब रात को थका हुआ वो जब घर पहुंचे तो मेरा गरीब भाई चैन की नींद सो सके और अगले दिन फिर बाप तारो ताजा होकर फिर काम से निकल पड़े। मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है, गरीबी से बाहर निकलना है, तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना, और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है उसका परिणाम भी नजर आने लगा है। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इस नए घर में बच्चों की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ग्वालियर जिले के भितरवाल जनपद के ग्राम पंचायत भौरी के हितग्राही श्री नरेंद्र नामदेव को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ये नरेंद्र जी को नरेंद्र का नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें आवास प्रदान किया। दोनों को चश्मा आ गया भाई, इतना कैसे जल्दी जल्दी चश्मा आ गया? हम सिलाई का काम करते हैं महोदय, इसलिए अच्छा, हमें अच्छा सुई धागे के कारण हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, पहले जिन्होंने हमें आंखों की कसरत के लिए दादी माँ घर में कहती थी, चलिए सुई धागा परो करके देखिए तुम्हारी आंख ठीक है कि नहीं है, लेकिन आप तो सुई धागे का काम करते हैं और आपकी दोनों की आंखें चश्मा आ गया। जी श्रीमान, कहिए तो आज आप नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं? जी श्रीमान महोदय। ये कलर किसने बनाए, मकान का कलर किसने तय किया? आपने तय किया कि आपकी पत्नी ने तय किया? नहीं, ये हमारी धर्मपत्नी ने तय किया श्रीमान महोदय। अच्छा, उन्हीं की चलती है जी, ये पेंटिंग भी उन्हीं ने बनाई है। अच्छा, वाह। अच्छा, परिवार में आस पड़ोस और रिश्ते नाते में इस नया मकान मिला है तो क्या लग रहा है, सबका कैसा माहौल है? आज पक्का आवास मिलने से श्रीमान मुझे बहुत लाभ हुआ है, आज मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। कच्चा मकान होने से मेरी बेटी की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई माननीय। ओहो, 24 दिन के बाद मेरे क्या हुआ था नरेंद्र जी? क्या कच्चे हुआ? कच्चे मकान में श्रीमान महोदय मेरी बच्ची की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। 24 दिन के अंतराल में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा श्रीमान महोदय। कुछ समय के बाद शासन के संबल से मुझे संभलने का अवसर मिला, आवास के साथ समृद्ध पर्यावास की 19 योजनाओं के माध्यम से मुझे उभरने का अवसर मिला। माननीय महोदय, मैं सिलाई का काम जानता हूं, कुछ जमीन का भी टुकड़ा है मेरे पास, एक भैंस भी रखता हूं। माननीय महोदय से जो आप देश की सेवा के लिए समर्पित हैं, चाहे वो 370 हो या 3 तलाक हो या आवास के माध्यम से गरीब जनता का सहयोग हो,
तो नरेंद्र जी क्या चुनाव उनाव लड़ने का इरादा है क्या? नहीं सर तो आप इतनी सारी बातें बोल रहे हो सकता हूँ देखिए जो मैं सुन लिया है सारा नहीं सर सुनने की बात नहीं है ये कहने की बात है सर है। मेरी पद और मेरा आपसे निवेदन है आग्रह है माननी मेरी धर्मपत्नी से भी जरूर बात जरूर जरूर बताइए क्या शुभ नाम है आपका? माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते सबसे पहले हम आपको आशीर्वाद देते हैं धन्यवाद हमें माताओं के आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसलिए आपने सही कहा आपके पति जो कह रहे हैं वो गलत धन्यवाद देते हैं धन्यवाद हर माता का आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है निवेदन है आपने मेरे को गैस उज्ज्वला के साथ गैस दी है मेरे को किचन बना है मेरे को शौचालय भी दिया मेरा आग्रह है आपसे निवेदन है बहुत ज्यादा मेरे घर पे आमंत्रित आए और मेरे हाथ की चाय और पुआ खाए और आप आमंत्रित स्वीकार करने का आप मेरे को हाँ या ना में जवाब दें चलिए आपका निमंत्रण मेरी सर आंखों पर और मुझे मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके हाथ से भोजन प्राप्त करूं और ये मौका मेरे नसीब में आ जाए मेरे लिए वो सबसे खुशी का दिन होगा हमको भी इतना धन्य होगा कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा आज मेरा शायद मुझे माननीय महोदय जो मुझे गम प्रकृति ने दिया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो गम बड़ा था आज मुझे खुशी बड़ी है वाह मुझे बताया गया कि इस घर के स्वीकृति पत्र में आपकी पत्नी का भी नाम है और आपका भी नाम जी महोदय तो ये कभी मन में नहीं हुआ कि ये पत्नी के नाम पे मकान चला जाएगा तो क्या होगा नहीं श्रीमान मेरे साथ पूर्ण सहयोग रहता है अच्छा चलिए अच्छा है इस योजना का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारी बहनों का सशक्तिकरण भी है अच्छा ये बताइए कि आप जो कामकाज करते हैं जी अब पहले घर की तुलना में इस नए घर में आने के कारण आपका जो खुद का कारोबार है उसमें क्या बदलाव आएगा जी मैंने आजीविका मिशन से जो समूह का गठन किया उससे मैंने सिलाई का प्रशिक्षण भी लिया है आज मेरा कारोबार बढ़िया मेरी दाल रोटी चल रही है उस माध्यम से कितनी वहाँ कितने लोग हैं जो आपके कपड़े बनवाने आते हैं किस प्रकार के कपड़े बनाते हैं पहले मैं गाँव का कपड़ा बनाता था वैसे कस्टमरों का आज मैं अपने गांव के बच्चों को अपने बच्चे मानकर गणवेश सिलाई का काम कर रहा हूं महोदय अच्छा उनके गणवेश बनाते हो जी महोदय वाह चलिए फिर तो ये बच्चे जब पढ़कर लिख करके बड़े होंगे तो उनको भी उनका अपना जो बचपन की फोटो देखेंगे तो आपकी याद आएगी मेरी पत्नी भी सिलाई का काम करती है मेरे एक दिन में कितने बना लेते हैं आप एक दिन में अभी तो 8-10 कपड़े बनाती हैं सर तो आपकी दोनों की कोई ट्रेनिंग हुई थी क्या जी कहाँ हुई ट्रेनिंग मिशन के तहत जिला पंचायत में श्रीमान महोदय अच्छा कितने दिन गए उस ट्रेनिंग में 8 दिन ट्रेनिंग ली चूंकि मैं इस काम को जानता हूँ मेरा ये पैतृक काम है सर चलिए नरेंद्र जी और अनिता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से अपना पक्का घर और आजीविका मिशन से रोजगार का कौशल दोनों का लाभ मिला है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों का यही लक्ष्य है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी गरीब से गरीब परिवार तक पहुंचे ताकि हमारा गांव और हमारा गरीब भी आत्मनिर्भर बने और देश भी आत्मनिर्भर बन सके नरेंद्र जी मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं बहुत धन्यवाद 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 हम भी आपको कोट कोट धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन की प्रतीक्षा पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है मेरा उनसे अनुरोध अभी मुझे कुछ लाभार्थियों से चर्चा करने का अवसर मिला आज अपना पक्का घर मिला है
अपने सपनों का घर मिला है, अपने बच्चों के भविष्य का एक नया विश्वास आपके मन में पैदा हुआ है। अब मध्य प्रदेश के 2.25 लाख ऐसे परिवार जो आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका गृह प्रवेश हो रहा है, उन सभी को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये सभी साथी टेक्नोलॉजी के किसी न किसी माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आज आप देश के उन 2.25 करोड़ परिवारों में शामिल हो गए हैं जिन्हें बीते 6 वर्षों में अपना घर मिला है, जो अब किराए के नहीं, झुग्गियों में नहीं, कच्चे मकान में नहीं, अपने घर में रह रहे हैं, पक्के घर में रह रहे हैं। साथियों, इस बार आप सभी की दिवाली, आप सभी के त्योहारों की खुशियां जरूर कुछ ज्यादा ही होगी। कोरोना काल ही के कारण, और अगर ये स्थिति न होती तो आज आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने के लिए आपके घर का एक सदस्य, ऐसा ही आपका प्रधान सेवक आज मध्य प्रदेश में होता, आपके बीच होता और आपके इस आनंद उत्सव में भागीदार होता। लेकिन कोरोना की जो स्थिति है उसके कारण मुझे दूर से ही आज आप सबके दर्शन का अवसर मिल रहा है। आज के इस समारंभ में मध्य प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन, राज्य के मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह जी, मेरे साथी भाई ज्योतिन्द्र जी, ज्योतिरादित्य जी, मध्य प्रदेश के मंत्रिगण के सदस्य, सांसद और विधायकगण, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधिगण और मध्य प्रदेश के गांव गांव से जुड़े सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मध्य प्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश का यह समारोह 2.25 लाख गरीब परिवारों के लिए तो अपने जीवन का यादगार पल है ही, देश के हर बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए भी एक बड़ा कदम है। आज का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश सहित देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वास देने वाला भी पल है। जिनका अब तक घर नहीं, एक दिन उनका भी घर बनेगा, उनका भी सपना पूरा होगा। साथियों, आज का ये दिन करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नियत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी है। जिन साथियों को आज अपना घर मिला है, जिनसे मेरी बातचीत हुई है और जिनको मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, उनके भीतर के संतोष, उनके आत्मविश्वास को मैं अनुभव कर सकता हूं। मैं आप सभी साथियों से यही कहूंगा कि ये घर आपके बेहतर भविष्य का नया आधार है। यहां से आप अपने नए जीवन की नई शुरुआत कीजिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अब आप नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए।
आप आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। साथियों, कोरोना के काल में तमाम रुकावटों के बीच भी देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का काम पूरा किया गया है। उसमें 1,75,000 घर अकेले मध्य प्रदेश में ही पूरे किए गए हैं। इस दौरान जिस गति से काम हुआ है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो देश के लिए, हमारे मीडिया के साथियों के लिए भी ये बहुत सकारात्मक खबर है। कोरोना के इस काल में पीएम आवास योजना के तहत घरों को बनाने में 125 दिन नहीं, सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है। आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुत ही उत्तम उदाहरण है। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव हुआ, पहले 125 दिन अब 40 से 60 दिन के बीच में कैसे हुआ। साथियों, इस तेजी में बहुत बड़ा योगदान रहा शहरों से जो हमारे श्रमिक भाई बहन लौटे हैं। उनके पास हुनर भी था, इच्छा शक्ति भी थी और वो इसमें जुड़ गए और इसके कारण ये परिणाम मिला है। हमारे इन साथियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का पूरा लाभ उठाते हुए अपने परिवार को संभाला और साथ साथ अपने गरीब भाई बहनों के लिए घर भी तैयार करके दे दिए। मुझे संतोष है कि पीएम गरीब कल्याण अभियान से मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में करीब करीब 23,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए जा चुके हैं। इस अभियान के तहत गांव गांव में गरीबों के लिए घर तो बन ही रहे हैं, हर घर जल पहुंचाने का काम हो, आंगनवाड़ी और पंचायत के भवनों का निर्माण हो, पशुओं के लिए शेड बनाना हो, तालाब और कुएं बनाना हो, ग्रामीण सड़कों का काम हो, गांव के विकास से जुड़े ऐसे अनेक काम तेजी से किए गए हैं। इससे दो फायदे हुए हैं। एक तो शहरों से गांव लौटे लाखों श्रमिक साथियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है और दूसरा, ईंट, सीमेंट, रेत और निर्माण से जुड़े दूसरे सामान का व्यापार कारोबार करते हैं उनकी भी बिक्री हुई है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान इस मुश्किल समय में गांव की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा सहारा बनकर के उभरा है। इसे बहुत बड़ी ताकत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे कार्यों से मिल रही है। साथियों, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर घर तो देश में पहले भी बनते थे, सरकार की योजनाओं के तहत बनते थे, फिर आपने बदलाव क्या किया। ये सही है कि गरीबों के लिए घर बनाने के लिए देश में दशकों पहले से योजनाएं चली आ रही है, बल्कि आजादी के बाद के पहले दशक से ही सामूहिक विकास कार्यक्रम के तहत ये काम शुरू हो गया था।
फिर हर 10-15 साल में इस प्रकार की योजनाओं में कुछ जुड़ता गया, नाम बदलते गए, लेकिन करोड़ों गरीबों को जो घर देने का लक्ष्य था, जो एक गरिमापूर्ण जीवन देने का लक्ष्य था, वो कभी पूरा ही नहीं हो गया। कारण ये था कि पहले जो योजनाएं बनी थी उनमें सरकार हावी थी, सरकार का दखल बहुत ज्यादा था। उन योजनाओं में मकान से जुड़ी हर चीज का फैसला सरकार और वो भी दिल्ली से होता था। जिसको उस घर में रहना था उसको कोई पूछता ही नहीं था। अब जैसे शहरों की ही तर्ज पर आदिवासी क्षेत्रों में ही कॉलोनी सिस्टम थोपने की कोशिश होती थी, शहरों जैसे मकान बनाने की ही कोशिश होती थी, जबकि हमारे आदिवासी भाई बहनों का रहन सहन शहर के रहन सहन से बिल्कुल अलग होता है, उनकी जरूरतें अलग होती है। इसलिए सरकार के बनाए घरों में उनको वो अपनापन कभी नहीं लगता था। इतना ही नहीं, पहले की योजनाओं में पारदर्शिता की भी भारी कमी थी, कई तरह की गड़बड़ियां भी होती थी, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसलिए उन घरों की क्वालिटी भी बहुत खराब होती थी। ऊपर से बिजली पानी जैसी मूल जरूरतों के लिए लाभार्थी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर अलग से काटने पड़ते थे। इन सब का नतीजा यह होता था कि उन योजनाओं के तहत जो घर बनते भी थे उनमें जल्दी लोग शिफ्ट ही नहीं होते थे, उनमें गृह प्रवेश नहीं हो पाता था। साथियों, 2014 में हमने जब से कार्य संभाला, इन पुराने अनुभवों का अध्ययन करके पहले पुरानी योजना में सुधार किया गया और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में बिल्कुल नई सोच के साथ योजना लागू की गई। इसमें लाभार्थी के चयन से लेकर गृह प्रवेश तक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, सिफारिश के लिए ढूंढता था लोगों को, आज हमारी योजना ऐसी है कि सरकार को लोगों के पास जाना होता है, खोजना होता है और सुविधा देनी होती है। अब किसी की इच्छा के अनुसार लिस्ट में नाम न जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। चयन से लेकर के निर्माण तक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मटेरियल से लेकर के निर्माण तक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध और उपयोग होने वाले सामानों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। घर के डिजाइन भी स्थानीय जरूरतों और निर्माण शैली के मुताबिक ही तैयार और स्वीकार किए जा रहे हैं। अब पूरी पारदर्शिता के साथ घर बनाने के हर चरण की पूरी मॉनिटरिंग के साथ लाभार्थी खुद अपना घर बनाता है। जैसे जैसे घर बनाता जाता है वैसे वैसे घर की किस्त भी उनके खाते में जमा होती जाती है। अब अगर कोई बेईमानी करके भी कुछ कोशिश करता है तो इसमें पकड़े जाने के लिए अनेक रास्ते भी बनाए गए हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बहुत बड़ी विशेषता है उसका इंद्रधनुषी स्वरूप। जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के भी अपने ही रंग है। अब गरीब को सिर्फ घर ही नहीं मिल रहा है बल्कि घर के साथ साथ शौचालय भी मिल रहा है, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन भी मिल रहा है,
सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन, उजाला का एलईडी बल्ब, पानी का कनेक्शन, सब कुछ घर के साथ ही मिल रहा है। यानी पीएम आवास योजना के आधार पर ही अनेक योजनाओं का लाभ लाभार्थी को सीधे मिले, ये देखा जा रहा है। मैं शिवराज जी की सरकार को फिर बधाई दूंगा कि उन्होंने इसको विस्तार देते हुए पीएम आवास योजना के साथ 27 योजनाओं को जोड़ा है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालय हो, इनसे गरीब को सुविधा तो मिल ही रही है, बल्कि ये रोजगार और सशक्तिकरण का भी ये बड़ा माध्यम है। विशेष तौर पर हमारी ग्रामीण बहनों के जीवन को बदलने में भी ये योजनाएं अहम भूमिका निभा रही है। पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घर की रजिस्ट्री ज्यादातर या तो सिर्फ महिला के नाम पर हो रही है या फिर साझी हो रही है। वही आज गांवों में बड़ी मात्रा में रानी मिस्त्री या महिला राजमिस्त्री के लिए काम के नए अवसर बन रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में ही 50,000 से ज्यादा राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है और इसमें से 9,000 रानी मिस्त्री हैं। इससे हमारी बहनों की आय और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। साथियों, जब गरीब की गांव की आय और आत्मविश्वास बढ़ता है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प भी मजबूत होता है। इस आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए गांव में हर प्रकार का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। 2019 के पहले 5 वर्ष शौचालय, गैस, बिजली, सड़क ऐसी बेसिक सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। अब इन मूल सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को मजबूत किया जा रहा है। इसी 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था कि आने वाले 1000 दिनों में देश के करीब 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। पहले देश की 2.5 लाख पंचायतों तक फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, अब इसको पंचायत से आगे बढ़ाकर गांव गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इस कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ये काम तेजी से चला है। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही देश के 116 जिलों में 5000 किलोमीटर से ज्यादा का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है, जिससे 1250 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में करीब 15,000 वाईफाई हॉटस्पॉट और लगभग 19,000 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए हैं। यहां मध्य प्रदेश के भी चुने हुए जिलों में 1300 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और मैं फिर याद दिलाऊंगा, ये सारा काम कोरोना काल में ही हुआ है, इतने बड़े संकट के बीच हुआ है। जैसे ही गांव गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा तो इससे नेटवर्क की समस्या भी कम हो जाएगी। जब गांव में भी जगह जगह बेहतर और तेज इंटरनेट आएगा, जगह जगह वाईफाई हॉटस्पॉट बनेंगे, तो गांव के बच्चों को पढ़ाई और युवाओं को कमाई के
बेहतर अवसर मिलेंगे। यानी गांव अब वाईफाई के ही हॉटस्पॉट से नहीं जुड़ेंगे बल्कि आधुनिक गतिविधियों के व्यापार कारोबार के भी हॉटस्पॉट बनेंगे। साथियों, आज सरकार की हर सेवा हर सुविधा ऑनलाइन की गई है ताकि लाभ भी तेजी से मिले, करप्शन भी ना हो और गांव के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए भी शहर की तरफ ना भागना पड़े। मुझे विश्वास है कि गांव गांव ऑप्टिकल फाइबर पहुंचने से इन सेवाओं और सुविधाओं में भी और तेजी आएगी। अब जब आप अपने नए घर में रहेंगे तो डिजिटल भारत अभियान आपका जीवन और आसान बनाएगा, गांव और गरीब को सशक्त करने का यह अभियान अब और तेज होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी साथियों को अपने खुद के पक्के घर के लिए फिर से अनंत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन याद रखिए, और ये बात बार बार मैं कहता हूं, जरूर याद रखिए, मुझे विश्वास है आप याद रखेंगे, इतना ही नहीं मेरी बात मानेंगे भी। देखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, याद रहेगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में मध्य प्रदेश के हितग्राहियों से संवाद के लिए अमूल्य समय देने एवं मार्गदर्शन देने के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास भारत सरकार, माननीय राज्यसभा सांसद जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं अन्य मंत्रियों सहित समस्त महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।